तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हो, आप किसी को पैसे भेजते हो या फिर आप किसी से पैसे रिसीव करते हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से देखना। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए पेमेंट सिस्टम आ रहे हैं, जैसे कि UPI, e-Rupee वगैरह। दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है ना कि अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, e-Rupee जो है वो हर स्टेट में इंडिया के अभी लॉन्च नहीं हुआ है। मगर दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं ना, e-Rupee के बारे में न्यूज़ में देख के सुन के वो लोग क्या कर रहे हैं, प्ले स्टोर पर जा रहे हैं या फिर कहीं गूगल पर जा रहे हैं, वहाँ पर सर्च कर रहे हैं e-Rupee ऐप डाउनलोड, और वहाँ से कोई भी रैंडम ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं जिनको कि आपको नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अगर आप यूज करते हो, तो ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए ताकि आप काफी सारे जो स्कैम्स हैं उनसे आप बच सको। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि दोस्तों, e-Rupee के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, आजकल न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो लोग इस ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस तरह से किया जाएगा ये तो दोस्तों जब हमारे स्टेट में लॉन्च होगा। फिलहाल जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर e-Rupee सिस्टम जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। हालाँकि दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग जो है वो e-Rupee को सर्च कर रहे हैं प्ले स्टोर पर और गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों, वहाँ से वो लोग क्या कर रहे हैं कि रैंडम कोई भी APK डाउनलोड कर रहे हैं। इनसे होता क्या है ना कि दोस्तों, वो जो ऐप है वो ऑफिशियल ऐप नहीं होता, कहीं से भी थर्ड पार्टी ऐप जो है लोग यहां पे डाउनलोड कर लेते हैं। उनके बाद अगर आप उसमें गलती से भी अपना बैंक अकाउंट या फिर फोन नंबर वगैरह लिंक करते हो, OTP को एंटर करते हो, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो रातों रात खाली हो सकता है। दोस्तों, आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर दूसरे ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब e-Rupee जो है ऑल ओवर इंडिया में यहां पर लॉन्च हो जाएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे e-Rupee को यूज किया जाता है और कौन सी वो ऐप होगी या फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करेगा e-Rupee कैसे यूज करना। ये हर एक चीज दोस्तों, जब ये हर स्टेट में लॉन्च हो जाएगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या हो रहा है कि आप वहाँ, आपको दोस्तों वहाँ पे लिंक आ रहा है कि वहाँ से आप क्या कर सकते हो, e-Rupee ऐप को जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, उस e-Rupee ऐप में आपको कुछ कैश फ्री में देखने को मिलेगा, आपको कुछ कैशबैक या फिर रिफरल की तरह यहाँ पे आपको फ्री में पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, उन लिंक्स के ऊपर आप गलती से भी क्लिक मत कर देना, चाहे वो कहीं से भी शेयर किया हुआ लिंक हो या फिर किसी और ने आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कह रहा है कि चलो शेयर इट से या फिर किसी भी ऐप से मैं आपके फ़ोन में शेयर कर देता हूँ, तो ये चीज़ को मत शेयर करना, इस चीज़ को डाउनलोड और इंस्टॉल कभी मत करना। तो अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे स्कैम के बारे में। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस स्कैम में फंस भी चुके थे। ये दोस्तों स्कैम तब चला था जब यहाँ पर क्या हो रहा था, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह जब नया नया लॉन्च हुआ था, तो लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि नकली जो यहाँ फोन पे, गूगल पे वगैरह का जो ऐप, उसको डाउनलोड करते थे और वहां पे आप कुछ भी रैंडम नंबर डालोगे ना, वहां पे जी हाँ आपका पेमेंट हो चुका है, ऐसे वहां पे शो करता था। तो लोग क्या करते थे, वहां पे शॉप पे जाके उनको कोई भी रैंडम पेमेंट वहां पे, मतलब फेक स्क्रीनशॉट वगैरह उनको दिखा देते थे कि देखिए यहां पे आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो सो ऐसे चक्करों में मत पड़ना, आपको जब कोई पेमेंट वगैरह भेज रहा है तो जरूर से आप एक बार अपना जो बैंक बैलेंस है उसको आप ओपन करके उसके अंदर की जो पासबुक होती है उसको आप जरूर से चेक कर लेना कि उनके अकाउंट से जो है वो आपको पेमेंट आया है या फिर नहीं आया है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं चौथे और काफी ज्यादा बड़े फ्रॉड के बारे में। यहां पे क्या हो रहा है ना कि काफी सारे लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, उनको OTP मांग रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पे क्या होता है ना कि आपको अगर मान लीजिए कोई OTP मांग रहा है तो उनको बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपने कोई चीज वगैरह को मंगाया है तो वहां पर क्या हो रहा है ना कि वहां पर आपको OTP आता है जिनको आपको उनको प्रोवाइड करना होता है। मगर कुछ फेक लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पे किसी और, मतलब जो एप्लीकेशन होता है, चाहे वो बैंकिंग एप्लीकेशन हो या फिर आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन हो, आपकी जो फ़ोन नंबर है उसको एंटर करके फॉरगेट पासवर्ड या फिर ऐसा कुछ करके वहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे OTP मंगा लेते हैं और कहते हैं कि जी हाँ आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आया होगा, वो दे दो ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट वगैरह है वो मैंने आपको डिलीवरी कर दिया है। तो सर वहाँ पर आप ज़रूर से एक बार चेक कर लेना कि जिस भी आप प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हो क्या उसी वेबसाइट से आपका OTP आया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट अगर अमेजोन से अगर आप OTP यहाँ पे कुछ कोई चीज़ को ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी कंपनी से आपको OTP आता है, ठीक है। तो वही वाला OTP आप शेयर करना। दूसरा अगर कोई भी रैंडम यहाँ पे अगर वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो OTP बिल्कुल भी मत शेयर करना, आपके साथ स्कैम हो सकता है। दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आप सभी लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर से मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।